आजची कारवाई रद्द केली आहे आणि जे आहे त्या ठिकाणी आम्ही सांगितलेलं आहे सर्वांना शांततेने जायला सांगितलेलं आहे शांततेच्या मार्गाने सगळे जण गेलेले आहेत बोल आम्ही काल सुद्धा मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटायला आणि मला या ठिकाणी सांगायचं की कारवाई आता स्थगित झालेली सगळे शांततेने गेलेले मैं आप सबका धन्यवाद होगी आप यहाँ पे आए लेकिन साथ में आपको बोलना चाहूंगी कि सब शांतता मांग से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे उनको भी हमने विनंती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांततापूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगित मिली है सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैम लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे संयम बनाए रखे धारावी सबको पता है कि हम सब एक है सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे चर्च हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे बुद्ध विहार हो हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे हमें और एक दूसरे के साथ खड़ा रहते हैं तो सबने आज यहाँ पे आके वही बात की नहीं मला माहित नहीं का झालेलं कारण की मी आले त्या वेळेला मला त्या गोष्टीची कल्पना नाही मी आतमध्ये होते पोलीस स्टेशनमध्ये आणि बाहेर अशी पण मला जेवढं माहिती आहे की शांततेच्या मार्गाने लोकांनी त्या ठिकाणी जे आहे ते सहकार्य केलं कदाचित धक्काबुक्कीमध्ये कदाचित काही घोष आली असेल पण जितका धारावीचा माझा अनुभव आहे धारावीची जनता कधीच कायदा हातात घेत नाही कायद्याचं रक्षण करणं आणि कायद्याच्या बरोबर पालन करून आंदोलन करणं ही धारावीची परंपरा असं आहे की आज स्थगिती मिळालेली आहे येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही बिलकुल प्रयत्न करू आम्ही प्रयत्न करू आणि जसं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे मी काल माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटले पुन्हा भेटल्यानंतर विनंती करेन की ज्या तऱ्हेने रिलीजियस स्ट्रक्चर आहे धारावी डीआरबीच्या अंतर्गत आहे विचार करण्यात यावा करू। मैं तरुणदास स्वामी आम आदमी पार्टी जॉइंट सेक्रेटरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं तो ये एकनाथ शिंदे की सरकार अपनी पार्टी को चमकाने के लिए और ये भेदभाव करके और ये मस्जिद तोड़ने आएगी कभी मस्जिद तोड़ने आएगी यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ अनलीगल है ये कहाँ का तोड़ेगी अगर देखिए पब्लिक को है ना परेशान मत कीजिए जैसे भी यहाँ पे धारावीवासी जैसे भी जीना चाहते हैं जी रहे हैं उनको जीने दो उनको जगाओ मत अगर वो जगाएंगे जैसे आप एक चीज तोड़ोगे तो हम भी कुछ कम नहीं है पब्लिक भी है ना कहीं ना कहीं कुछ ना कोई उल्टा पुल्टा करने वाली। धन्यवाद। मेरी पैदाइश है धारावी का ही मैं रहने वाला हूँ मेरा कहना ये है कि ये ढांचा जो आप लोग अवैध बोल रहे हो आज जो सब बीएमसी और इस बार ये जो बोल रहे हैं कि अवैध है ये ढांचा एक दिन में तैयार नहीं हुआ इसको बनने में कई दिन लगे कई महीने लगे उसको सारे ऑफिसर वगैरह वार्ड ऑफिसर कहाँ गए आज वो ढांचे ने मस्जिद की शक्ल ले ली है मेरे समाज की और मेरे लोगों की संविधान भावनाएं उस मस्जिद से जुड़ी हुई है आज वो ढांचा नहीं है पूरी मस्जिद की शक्ल तैयार किया हुआ है और आज आप कहते हैं कि उस मस्जिद को हम लोग ढा देंगे ये मेरी भावनाओं के साथ में कहते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीआरपी लागू है डीआरपी में सारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला है सारे डिमोलिश होगा धारावी खुद एक इलीगल है 6 फुट का यहाँ नहीं यहाँ 12-12, 14-14 फुट की हाइट है आप एक मस्जिद को ही क्यों टारगेट कर रहे हो यहाँ मस्जिद को टारगेट करके लोगों की भावनाओं को क्यों कर रहे हो मस्जिद या तो धार्मिक स्तर है धार्मिक स्तर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है आज आपके 50,000 पब्लिक जो देख रहे हो ये अपने संवैधानिक हक मांग रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं कि हमको ढांचे से नहीं हमको मस्जिद से लेना है आज जो ढांचा मस्जिद की शक्ल ले चुका है उस मस्जिद के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए इतना ही मेरा आप लोगों का बोलना है। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।